वेलकम टू मेक अपग्रेड चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम फ्यूल सिस्टम के बारे में जाने कि फ्यूल सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे कि एग्जॉस्ट सिस्टम होता क्या है, इसको कहते क्या है आम भाषा में। ये आपका जो है दिख रहा है, देखिए ये आपका फ्रेम है, फ्रेम में आपका जो ये लाइन से अंदर दिख रहा है ये पूरा फ्रेम है, इसके अंदर ये आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है, जिसे हम आम भाषा में साधारण तौर पर साइलेंसर बोल देते हैं, लेकिन इसको एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं। ये इंजन में एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ सा कचरा रहता है, जिससे यहाँ से बाहर होकर एग्जॉस्ट जो आपका धुआं जो रहता है बाहर निकलता है। तो आइए एग्जॉस्ट सिस्टम का चाइल्ड पार्ट्स भी देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि आखिर एग्जॉस्ट सिस्टम में कितने पार्ट्स लगे होते हैं, ये कितने भागों में डिवाइडेड होते हैं। तो ये आपका जो दिख रहा है, देखिए ये दो नंबर का जो है ये होता है असेंबली गैस्केट, जिसे पैकिंग भी बोलते हैं आम भाषा में। ये असेंबली गैस्केट होता है, ये रबड़ होता है हैंगर का, तो रबड़ हैंगर होता है। और आपका ये आठ नंबर का जो है गैस्केट होता है। तो आइए इस गैस्केट का हम इमेज दिखाते हैं आपको कि ये होता कैसा है। देखिए ये त्रिभुजाकार ये गैस्केट होता है, गोलनुमा में अंदर वाली भाग गोल होता है। ये अंदर जो है कागज़ का कागज़ मतलब मोटे कागज़ का वो होता है, ऊपर से ये स्टील का पत्ती बना होता है, जिससे ये गैस्केट तैयार होती है। क्योंकि साइलेंसर हीट रहता है, इसलिए ये गैस्केट जलता नहीं है। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है ये कैटलिटिक कन्वर्टर इसमें लगा रहता है, जो भी एग्जॉस्ट निकलती है ये कैटलिटिक कन्वर्टर में क्लीन मतलब जम जाता है, उसके बाद से जो नॉक्स होता है वो बाहर निकलता है। ये आपका कैटलिटिक कन्वर्टर है। अब इसमें देखिए कौन सा पार्ट्स लगे हैं छोटे छोटे इसको टाइट करने के लिए। देखिए स्प्रिंग वाशर लगा होता है और हेक्स नट रहता है, जो इसमें टाइट किया जाता है कैटलिटिक कन्वर्टर में। अब ये पाँच नंबर आपका जो ये रबड़ था, वही रबड़ ये भी है जो रबड़ हैंगर बोलते हैं। अब 11 नंबर का आप देखिए, ये आपका मिडिल एग्जॉस्ट पाइप होता है जो दिख रहा है, ये बीच में होता है। देखिए एक साइलेंसर तीन चार भागों में बटा रहता है अलग अलग। ये आपका असेंबली एग्जॉस्ट मिडल पाइप है, जिसको बीच में लगा होता है। ये यहीं से होकर आपका एग्जॉस्ट निकलता है, जो इस डब्बे में पहुंचता है, जिसको आप साइलेंसर बोलते हैं, उसमें जाता है। तो ये 11 नंबर का आपका एग्जॉस्ट मिडिल पाइप है। अब देखिए इसमें पाँच नंबर का वही रबर हैंगर लगा रहता है। और 14 नंबर में आप देख रहे हैं ये एक पैकिंग होता है, ये भी एक गैस्केट होता है 14 नंबर में, जो मिडिल पाइप में लगा रहता है, एग्जॉस्ट मेनफोल्ड पाइप में जो लगा रहता है ये पैकिंग होता है। इसका देखिए डायग्राम, ये अंडाकार होता है, वो आपका त्रिभुजाकार था लेकिन ये अंडाकार होता है। ये भी सेम वही मानक पे बना रहता है, स्टील का ऊपर वो आपका परत होती है, अंदर कागज़ का वो टुकड़ा लगा रहता है। आप कभी भी अपनी गाड़ी का काम कराइएगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये आपका पैकिंग हो गया। अब ये आपका 12 नंबर आपका हो जाता है असेंबली साइलेंसर प्लस ब्रेकेट। ये जो साइलेंसर होता है, जो भी धुआं आता है यहीं से होकर एग्जॉस्ट जो भी आता है साइलेंसर से होकर बाहर निकलता है, तो ये आपका साइलेंसर होता है। कभी कभी ये साइलेंसर भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए पूरा इसको अलग अलग पार्ट्स में इसलिए किया गया है कि आपका पॉकेट पे जोर ना पड़े, इसीलिए छोटा छोटा पार्ट में। अब साइलेंसर ख़राब हो तो साइलेंसर चेंज करवा सकते हैं आप, ना कि पूरा साइलेंसर ही वो एग्जॉस्ट सिस्टम ही चेंज करवाना पड़े। अब ये 13 नंबर आप देखिए, 13 नंबर क्या है, ये आपका एग्जॉस्ट टेल पाइप होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, टेल मतलब लास्ट में। ये देखिए पाइप कैसा होता है, ये आपका ऐसा पाइप होता है, ये एल्युमिनियम का होता है। तो ये आपका एग्जॉस्ट टेल पाइप है। और पाँच नंबर में वही रबर हैंगर है। तो इतने पाइपों से मिलकर एक आपका एग्जॉस्ट सिस्टम बना रहता है। एग्जॉस्ट सिस्टम जो भी हम इंजन में फायर होता है, जो एग्जॉस्ट बाहर की तरफ निकलता है, वो बाहर की तरफ निकलता है इन्हीं सभी पाइप से होते हुए आपका बाहर की तरफ निकलता है, साइलेंसर के से होकर निकलता है। तो फ्रेंड ये इतने, अब आपको ये होगा कि एक ही में ये क्यों नहीं साइलेंसर
बना रहता है कि एक ही बेर में निकल जाता है, क्यों इसको टुकड़े टुकड़े में बांटा गया, इसलिए इसको टुकड़े टुकड़े में बांटा गया है कि जो भी पार्ट्स साइलेंसर का ख़राब होता है सिर्फ वही पार्ट्स आप चेंज कर सकते हैं, न कि पूरा साइलेंसर चेंज करने के लिए 20,000-15,000 रुपया लगेगा, एक छोटा पार्ट चेंज करने में 2,000 रुपया लगेगा, तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा ईजी पड़ेगा, इसलिए इसको टुकड़े में बांटा गया है। तो ये आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है, हमें आपको एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में समझा दिए हैं, अगर इसके बारे में आपको और कुछ जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।